पावन पर्व में आद्यशक्ति पर्व चाली रू तरह आज आठम दिवसे सूरत शहर की बात करिए तो जूना अंबाजी जो 400 वर्षी वधु पौराणिक मंदिर है त्या लाखों भाविक भक्तों की भीड़ दृष्टांत थे उमटी पड़ी थी। बात करिए तो शिवाजी महाराज पर अहिया पूजा अर्चना करने आता था। आ उपरांत माताजी दसम न दिवसे नगर यात्रा कर नगर यात्रा की परंपरा लगभग 50 वर्षी वधु चाली रही है। बात करिए तो शुरुआत में शहर नानु हतु त्यारे पालखी स्वरूपे माताजी ने पालखी में बेसाड़ी नगर यात्रा करवा माटे पुजारी और भक्तजनों निकलता था। आज आ परंपरा चांदी रथ में माताजी विराजमान थई और नगरजनों ने दर्शन आपवा माटे नगर यात्राए निकली छे। मारु नाम जय माताजी, मारु नाम कीर्तन गोस्वामी छे। अमे अंबाजी मंदिर ना पुजारी छे। सूरत नी जे जूनी अंबाजी मंदिर कहवाय छे एना आपणे पुजारी छे तथा अहींया आ मंदिर नो जे इतिहास है कि प्रेमजी भट्ट नामना व्यक्ति लाकड़ा बॉक्स में माताजी की मूर्ति लाया था और आ मंदिर की स्थापना करी थी। आ मंदिर 450 करता वधु वर्ष जूनू कहेवामां आवे छे। मुगल राज दरमियान शिवाजी महाराज जयरे चढ़ाई करता था त्यारे आ मंदिर दर्शन आता था त्यारे माताजी दर्शन करवा आता था। तेना अनुकूळे आपणे एक पेंटिंग पण मंदिर नी अंदर मूकी छे। ते उपरांत नवरात्रि दरमियान अहींया लाखों की संख्या में भक्त उमटी पड़े छे, परंतु जे आठम नो दिवस कहेवाय छे साक्षात माताजी तमने दर्शन आपे छे त्यारे दरमियान भक्तो बे रोड सुधी अमारी लाइनो लागे छे। ते उपरांत लाखों की संख्या में ए लोको सवारे 4-4 वागाना आवी जाय छे अने 4 वागाना आव्या बाद ए लोको कचरो वाळे छे, गरबा रमे छे, माताजीनो ओंकार करे छे। ते बाद मंदिरनी आरती सवारे 6 वागानी होय छे अने रातना 7 वागानी। ते मंदिर बंद करता रातना 12 वागे छे। मंदिर बंद थया बाद पण लोको गरबा करे छे अने आंगळो साफ करे छे कचरो वाळीने। दशहरामां आपणे वर्षोथी लगभग 55-60 वर्षथी चालतो आवे छे आ ट्रेडिशन। पहला माताजीने ज्यारे चांदीनो रथ आव्यो ते दरमियान 55 वर्षथी आ रथ निकळे छे। एनी पहला नानी पालखी स्वरूपे पण माताजीने सूरतना नानी मोटी गलीओमां फेरवामां आवता हता। रथनी परंपरा मुजब अमारा मुख्य 4 रथ छे। एक रथमां आपणे नारियेळ મૂકવામાં આવે છે, એક રથમાં આપણે ઝવેરા સ્વરૂપે માતાજીનો આપણે જે સ્થાપના કરે છે એ મૂકવામાં આવે છે લાકડાના રથમાં, અને ત્રીજા રથમાં આપણે મેઇન ચાંદીનો રથ છે। આ મુખ્ય ચાંદીના રથમાં જે અંદર સ્વયંખંડની મૂર્તિ છે માતાજીની એ ચાંદીની મૂર્તિ બિરાજમાન થઈ છે રથ પર, અને સુરતની બધી નાની મોટી ગલીઓમાં લોકોને આશીર્વાદ આપે છે અને દર્શન આપે છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, એલકે સ્ટાર ન્યૂઝ, સુરત।